अस्सलाम वालेकुम फूड पैकेज में आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने टमाटरों को किस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं और उसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। अगर आपको मेरा यह तरीका पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। मैं अपने टमाटरों को बीच में से काट कर फ्रीज़ करूँगी। शदीद गर्मियों के मौसम में टमाटर फ्रिज में भी जल्दी ख़राब होने लगते हैं और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते, फिर टमाटरों को ज़ाया करना पड़ता है और इस तरह हमारे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। लिहाजा मैं आपको बताऊंगी कि टमाटरों को फ्रीज़र में रखने का सही तरीका क्या है। आप इन टमाटरों को साबुत फ्रीज़र में ना रखें, इसलिए कि अक्सर औकात टमाटर बज़ाहिर ऊपर से देखने से बिल्कुल ठीक लगते हैं, मगर जब हम इसे दो हिस्सों में काटते हैं तो ये बीच में से ख़राब होते हैं और इसमें से स्मेल आ रही होती है, जबकि ऊपर से देखने पर ये बिल्कुल ठीक थे। अगर आप इन्हें बग़ैर काटे फ्रीज़र में रख देते तो खाने में डालते वक्त ये जमे हुए होने की वजह से आपको मालूम ना होता कि असल में ये टमाटर ठीक नहीं थे बल्कि ख़राब थे। इस तरह सड़ा हुआ टमाटर खाने में डालने से आपका सारा का सारा सालन ख़राब हो सकता है और ऐसे खाने से आप पेट के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो सकते हैं, जिनका इलाज ढूँढना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बीमारियों के बारे में आप अपने मौलिज को क्या बता सकते हैं। जिन बीमारियों के बारे में आप ख़ुद नहीं जानते कि वो कहाँ से आई हैं और आप इन बीमारियों का शिकार कैसे हो गए, लिहाजा ऐसे मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि मोहतात रवैया इख्तियार करें और जो भी खाएं उसके बारे में आपको यकीन हो कि वो सेहत बख्श था। ये एक टमाटर मैंने काटा है, ऊपर से ये नरम है मगर अंदर से ये बिल्कुल ठीक है, इसमें से स्मेल भी नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि ये नरम हो चुका है इसलिए मैं इसको फ्रीज़र में नहीं रखूँगी। ये लंबे अरसे तक फ्रीज नहीं रह सकता, ख़राब हो जाएगा। अब ये टमाटर मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये ऊपर से सख्त है लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है इसलिए ये फ्रीज़र में रखा जा सकता है, ये लंबे अरसे तक महफूज रह सकता है, जबकि ये टमाटर सिर्फ नरम होने की वजह से फ्रीज़र में नहीं रखा जा सकता। अब इस तरह की चीज़ों का आपको तभी पता चल सकता है जब आप इनको काट लें। ये टमाटर काट के देखते हैं कि क्या ये ठीक है अंदर से। जी ये बिल्कुल ठीक है, इसको भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। अब ये मेरे पास एक टमाटर है जिसमें थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, इसको काट कर देख लेते हैं। ये मैंने इसे सेंटर में से काटा है, ये बिल्कुल ठीक है लेकिन अलबत्ता मुझे इसके दाग को चेक कर लेना चाहिए कि ये अंदर से ख़राब तो नहीं है। ये मैंने कट लगा लिया है लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है, इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये टमाटर जो मैंने काटा है इसको काटते ही इसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो गई है, जबकि इसी टमाटर में पहले बिल्कुल स्मेल नहीं थी और कटने के बाद इसमें से नागवार सी स्मेल आई है। अब मैं ये छुरी धो लूँगी वरना फिर बाकी टमाटरों को भी इसके जरासीम लग सकते हैं। तो आप खुद सोचें, बज़ाहिर ठीक नज़र आने वाले टमाटर अंदर से कितना ख़राब था। अगर मैं इसे साबुत फ्रीज़ कर देती तो इससे सेहत पर क्या असरात मुरतब होते। अपने तमाम टमाटरों को किसी स्टील के बर्तन में रखकर फ्रीज़ करें, इस तरह आपके टमाटर 4 से 6 घंटे में फ्रीज़ हो जाएंगे। सारे टमाटर फ्रीज़ हो चुके हैं, अब मैं इन्हें किसी साफ़ सुथरे एयर टाइट बैग में रखकर दोबारा फ्रीज़र में रख दूँगी। ये मेरे पास एक एयर टाइट बैग है और इसमें तकरीबन आधा किलो टमाटर आ जाएंगे। चलें रख कर देख लेते हैं। आप इन टमाटरों को 1 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और जब भी आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहें तो फ्रीज़र से निकाल कर 2 मिनट रूम टेम्परेचर पर रखें, उसके बाद उसे इस्तेमाल कर लें। सारे टमाटर फ्रीज़र से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, जितने आपको इस्तेमाल करने हैं बस आप उतने ही बाहर निकालें। इसे बार बार डिफ्रॉस्ट ना करें। इस बैग में आधा किलो टमाटर आ गए हैं, अब मैं बाकी के टमाटर दूसरे एयर टाइट बैग में रख लूँगी।
मैंने एक टमाटर के दो पीसेस को थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में छोड़ दिया था। अब मैं इसे कद्दूकश कर रही हूँ। आप कोई सी भी सब्ज़ी या गोश्त पकाएं तो इस तरह से कद्दूकश किया हुआ टमाटर अपने खाने में तैयारी से थोड़ी देर पहले भी डालेंगे तो इसके मिक्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस तरह से कद्दूकश करने से टमाटरों का छिलका भी बड़ी आसानी के साथ अलग हो जाएगा, क्योंकि बाज़ लोग टमाटरों का छिलका खाने में इस्तेमाल नहीं करते। आप चाहें तो अपनी धूप से जली हुई स्किन पर भी इस पेस्ट से मसाज करें, आपकी स्किन बिल्कुल पहले की तरह फ्रेश हो जाएगी। या फिर टमाटर के छिलकों पर एलोवेरा जेल डालकर भी मसाज करें तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये मेरा एक टमाटर का पेस्ट है जिसे मैं अपने सालन में डाल दूँगी। अगर आप कढ़ाई गोश्त वगैरह पका रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा टमाटर भी डालें तो इसी तरह उसको कद्दूकश कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप भी इसी तरह टमाटरों को फ्रीज़ कर लिया करें।